नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित कुमार दुबे, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल डाउट क्लियर में, जहां पे कोई भी डाउट डाउट नहीं रहेगी, सारी की सारी क्लियर कर दी जाएगी। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपके सामने 12 सितंबर 2019 के द हिंदू न्यूज़पेपर के खबरों की एनालिसिस के साथ, जिनका एक मैंने वाइब्रिफिकेशन यहाँ पर बना के रखा हुआ है कि कौन सी खबर कौन से UPSC के कौन से पेपर के लिए और किस सेगमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बेहतर है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें समझने के लिए। बढ़ते हैं खबर की ओर। देखिए, जो अगली खबर है वो बहुत ही क्रूशियल खबर है। सिट डाउन एंड टॉक, यूएन चीफ गुटरेस टेल्स इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने इंडिया एंड पाकिस्तान से ये कहा है कि वो कश्मीर मुद्दे को किसी भी तरीके के तनाव के कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तरीके का तनाव न फैलाएं, बल्कि शांतिपूर्वक बातचीत से ही इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करें। मिस्टर गुटरेस लास्ट मंथ जब G7 समिट हुआ था बेलट्रिज में फ्रांस में, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की थी, और उन्होंने ये भी कहा था, और उन्होंने इस बार ये भी इस वक्तव्य में ये भी अपनी बातों को दोहराया है कि यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं उन्होंने ये कहा है कि डैट इज गुड ऑफिसेज आर अवेलेबल फॉर मीडिएशन इफ बोथ साइड्स आस्क फॉर इट। मतलब इनकी भी भाषा कुछ कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरह है, बार बार उनको मना किया जाता है लेकिन बार बार वो कहते हैं कि वो मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। इस बार भी इंडिया हैज़ रूल्ड आउट एनी थर्ड पार्टी मीडिएशन आर्ग्यूइंग दैट द इश्यू इज एन इंटरनल मैटर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, आप वाटर स्कीम NJT डायरेक्ट DJP टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, दिल्ली में आप सरकार ने एक पॉलिसी निकाली है जिसके अंतर्गत में हाउसिंग सोसाइटी को 20 लीटर पानी डेली मतलब उनको मिलेगा। तो इसी को लेकर NJT के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने चिंता जताई है और कहा है द फ्री वाटर पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री वाटर बिलो 20 किलोलीटर पर मंथ ऑल्सो रिजल्ट इन एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर एंड रिजल्टनली वेस्ट वाटर। मतलब 20 किलोलीटर पानी हर महीने हाउसिंग सोसाइटीज़ को जो मिलेगा उससे होगा कुछ नहीं, उससे ये होगा कि पानी का बेवजह बिना मतलब के ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा, और जिसका रिजल्ट होगा कि पानी वेस्ट होगा। उन्होंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है पॉल्यूटर पे। इस पॉल्यूटर पे का आखिर क्या मतलब है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए, इंडिया के मामले में पॉल्यूटर पे का मतलब ये है कि नुकसान मतलब पानी का नुकसान जो करेगा उसे उसकी भरपाई देनी पड़ेगी एज ए पेनाल्टी। तो आदर्श कुमार जी ने यहाँ पे ये कहा है, NJT ने ये कहा है द पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल शुड बी इन्फोर्स टू प्रिवेंट मिसयूज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर। यहाँ पे इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पानी को यूज करना है और कम से कम इसको वेस्ट करना है, और ख़ासकर ऐसे समय में जब क्या होता है पानी की ऑल ओवर वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा किल्लत हो रही है, और स्पेशली इंडिया में तो इसकी काफ़ी ज़्यादा किल्लत है। राजस्थान में कई सारे ज़िले ऐसे हैं, बुंदेलखंड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, पानी से एकदम तरस रहा है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। इस पूरे आर्टिकल में एक और वर्ड्स है जो कि जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और वो वर्ड है पब्लिक एक्ट चेकर। पब्लिक एक्ट चेकर क्या होता है? पब्लिक एक्ट चेकर वो संस्था होती है जो टैक्स और अदर फंड को अपने यहाँ डिपॉजिट रखती है, वो टैक्स और वो अदर फंड जो कि जनता से वो लेती है। इसकी स्थापना आर्टिकल 148 के तहत हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के तहत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। NCST रिकमेंडेड ट्राइबल एरिया स्टेटस फॉर लद्दाख।
दिस विल हेल्प डेमोक्रेटिक डिवोल्यूशन ऑफ पावर, प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चर। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब NCST, इसने ये रिकमेंड किया है कि लद्दाख को एक ट्राइबल एरिया के तहत ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया जाए अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सिक्स्थ शेड्यूल क्या है? ये सिक्स्थ शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया आफ्टर सेटिंग अप ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल। NCST के जो चेयरपर्सन हैं वो हैं नंद कुमार साई, और इस बारे में NCST का ये मानना है कि द डेमोक्रेटिक डिवोल्यूशन ऑफ पावर प्रिजर्व एंड प्रमोट डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ रीजन, प्रोटेक्ट एग्रीयन राइट्स इंक्लूडिंग राइट्स ऑन लैंड एंड इन्हेंस ट्रांसफर ऑफ फंड फॉर स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रीजन। इस बारे में होम मिनिस्ट्री भी क्या होता है, होम मिनिस्ट्री जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी है ट्राइबल एरिया को डिक्लेयर करने के लिए। अगर लद्दाख को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करना है तो इसके लिए होम मिनिस्ट्री सेंट्रल अथॉरिटी है, वही कर सकती है। ये NCST के ये अपनी केवल राय दी है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेंटर टू ब्रिंग ऑर्डिनेंस टू बैन ई सिगरेट्स इन कंट्री। देखिए, पहली बात, ई सिगरेट जो है वो हमारे देश में इलीगल है, ठीक है। टोबैको इंडस्ट्री क्वेश्चन मूव कॉज इट्स ड्रकोनाइन। यहाँ पे क्या है कि ई सिगरेट एक्चुअली में है क्या कि इसमें जो टोबैको है उसको जलाया नहीं जाता है, जैसे यूजुअली सिगरेट्स में क्या होता है टोबैको को लोग जला के फिर उसके कस को लेते हैं। ई सिगरेट में टोबैको को जलाया नहीं जाता बल्कि उसको वैप्योर किया जाता है, भाप मतलब वैप्योर करके उसका नशा लोग करते हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। तो इसी के लिए यूनियन कैबिनेट ने फैसला लिया है कि वो एक ऑर्डिनेंस लाएगी और मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ ई सिगरेट को कंट्री में प्रोहिबिट करेगी। ये इस लॉ के अंडर में इस ई सिगरेट का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजमेंट, ये सब एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसमें इसके अंदर जो सज़ा का प्रावधान किया जाएगा वो ये है कि अगर पहली बार पकड़े जाएं तो जेल अप टू 1 ईयर एंड फाइन अप टू 1 लाख, या इन दोनों को। अगर दूसरी बार पकड़े जाएं तो जेल फॉर ऑफ अप टू 3 ईयर एंड फाइन अप टू 5 लाख फॉर रिपीट ऑफेंडर। अगर ई सिगरेट का स्टोरेज करते हुए पकड़ा जाएगा तो 6 महीने की सज़ा और 50,000 रुपये, या दोनों। यहाँ पे ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि भारत जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट नंबर हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ टोबैको यूजर विच इज़ 268 मिलियन इन द ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसकी वजह से हर साल 12 लाख लोग टोबैको रिलेटेड डिजीजे से मरते हैं, जैसे माउथ कैंसर, लंग कैंसर, इनसे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एडिटोरियल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। देखिए, एंटी लिंचिंग बिल बीइंग एग्जामिन्ड बाय सेंटर। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि लिंचिंग क्या है। लिंचिंग में होता क्या है दोस्तों, कि एक भीड़ जो है वो किसी ऐसे एक्ट की सज़ा देती है वो जो या तो उसने की होती है रियल में या तो नहीं की होती है। ये भीड़ अपने आप को कानून से ऊपर मानती है और सज़ा दे देती है। अभी रिसेंटली बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे यूपी में मोहम्मद अखलाक और कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोग भीड़ ने उन लोगों को मार दिया। अभी इधर ये घटनाएं इससे ज़्यादा बढ़ गई हैं कि गौ रक्षा के नाम पे, हिंदू रक्षा के नाम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इसीलिए राजस्थान और वेस्ट बंगाल असेंबली ने एंटी लीचिंग बिल पास किया था अपने यहाँ। 5 अगस्त को राजस्थान ने अपने असेंबली में राजस्थान प्रोटेक्शन फ्रॉम लिंचिंग बिल 2019 पास किया। इसके अंदर में जो लिंचिंग करने वाले लोग हैं इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट और फाइन लगेगी 1 लाख रुपये तक, 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक। और 30 अगस्त को वेस्ट बंगाल असेंबली ने भी एक बिल पास किया, वेस्ट बंगाल प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल 2019। इसमें क्या है कि इसमें जेल की सज़ा भी हो सकती है 3 साल से लेकर या पूरी लाइफ यानी उम्र कैद, और जो मरने वाले पर्सन है जिनके खिलाफ लिंचिंग हुई होगी, मॉब ने लिंच किया होगा, वो
उनको वेस्ट बंगाल लिंचिंग कंपनसेशन स्कीम से उनको मदद भी मिलेगी। और अपने इस बिल में वेस्ट बंगाल सरकार ने लिंचिंग और मॉब इन दोनों को क्लियरफाई भी किया है कि किसको माना जाएगा। अब देखिए, राज्य सरकार कोई भी कानून बना देती है, बना भी सकती है, उसके पास अधिकार है, लेकिन फिर उसको एग्जामिन करने के लिए केंद्र के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब केंद्र के पास ये कानून जाएगा तो केंद्र इसको तीन तरीके से एग्जामिन करेगा। पहला कि रिपोजेंसी विद सेंट्रल लॉ, सेंट्रल लॉ से कोई क्या होता समानता है या असमानता है इसकी। डिविएशन फ्रॉम नेशनल और सेंट्रल पॉलिसी, नेशनल और सेंट्रल पॉलिसी पे इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, और दूसरी इसको ये इसकी संवैधानिक मान्यता है या नहीं है। जो मॉब लिंचिंग है ये बहुत ही मतलब हॉटनेस एक्ट है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी घटनाओं को लेकर क्या होता है कंडेम भी किया था और इनको कहा था हॉरेंडियस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी, भीड़ के द्वारा किया जाने वाला एक जघन्य अपराध। और सेंट्रल और पार्लियामेंट से कहा भी था कि लिंचिंग को लेके एक सेपरेट, लिंचिंग को एक सेपरेट ऑफेंस घोषित करें, उसको लेके एक अलग एक्ट बनाएं। बढ़ते हैं अगली खबर क्यों, ये भी एडिटोरियल के अंडर में ही आता है दोस्तों। लाइव स्ट्रीमिंग एससी एग्रीड टू हियर पिला। देखिए ये जो आर्टिकल है ये अयोध्या की जो हियरिंग हो रही है, अयोध्या मंदिर मामले पे जो हियरिंग हो रही है उसको लेके कहा गया है। ये क्या होता है जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी वो जो भी सुनवाई हो रही है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं ऐसा जिसको जानना ज़रूरी हो। और ऐसा इसलिए हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इसलिए इस चीज़ पर राजी हुआ है क्योंकि एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट को उसका खुद का 2 सितंबर 2018 का ऑर्डर याद दिलाया गया कि उसने ऑर्डर दिया था कि ये नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ है और इसकी हियरिंग लाइव होगी, मतलब सभी लोगों के बीच में होगी, सभी लोग इस हियरिंग को देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होगा YouTube, Facebook, Twitter सब जगह पर। बढ़ते हैं अगली खबर क्यों, काउ इम्पोर्टेंट टू रूरल इकोनॉमी सेज पीएम। देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कई सारी योजनाएं लॉन्च की और उन योजनाओं के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो हाल ही में एक योजना जो कल परसों में लॉन्च की है उन्होंने, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NACDP मथुरा में इनको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश में। इस योजना के अंतर्गत में जो भी कहता है, इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फूट चौपायों में यानी गायों में और क्या होता है लाइवली जो स्टॉक हैं उसमें फूट और माउथ डिजीज को ख़त्म करना और ब्रूसीलिसिस डिजीज को भी ख़त्म करना, जो हमारे लाइव स्टॉक है जैसे गाय हुए, भैंस हुई, इन सब में जो भी ये बीमारियां हैं इसको क्या होता है ख़त्म करना। फूट एंड माउथ डिजीज को एक तरीके से खुरपका मुँह पका भी कह सकते हैं। और ब्रुसेलिस जो होता है ये एक जूनोटिक है, जूनोटिक बीमारी है, मतलब कोई भी बीमारी या संक्रामक रोग की तरह है। इसमें मनुष्य से जानवर में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जानवर से मनुष्य में, मनुष्य से जानवर में भी हो सकता है। इसमें एक तरीके से आप अगर क्या होता है थोड़ा और देहात क्या होता है देहाती भाषा में बोलें तो लहरदार बुखार होता है इसमें। लहरदार मतलब थोड़ा मतलब ठंडी लगती रहती है और क्या होता है बुखार भी रहता है, अंदर से तो रहता है लेकिन बाहर से लगता है कि कुछ भी नहीं है। या इसको एक माल्टा ज्वर भी कहते हैं, जो कि क्या होता है अधिकतर सॉरी माल्टा ज्वार ही कहते हैं। ओके, और अगली जो इन्होंने क्या होता है योजना लॉन्च की है वो नेशनल आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन प्रोग्राम के लिए की है। ये इसके अंतर्गत में टोटल एक वर्कशॉप 687 क्या होता है डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में फॉर वैक्सीनेशन एंड डिजीज मैनेजमेंट एंड आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन प्रोडक्टिविटी, मतलब आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन करा के ये मतलब ब्रीडिंग करवाई जाएगी। और उसके बाद तो एक इनका प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, करने ही वाले हैं 2 अक्टूबर को, अगेंस्ट द सिंगल यूज प्लास्टिक इन द कंट्री। और उस प्रोग्राम का उस मिशन का नाम होगा स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम। बढ़ते हैं अगली खबर क्यों,
वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट काफ़ी ज़्यादा हरास है और इसको बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अनलेस इसकी जगह पे उन्होंने एक क्या होता है सेफ ड्राइव सेफ लाइफ कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया है, जो क्या होता है लोगों को इस बारे में जागरूक करेंगे कि हाँ आप सड़कों पे आराम से चलें, जल्दीबाजी ना करें। देखिए दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट्स में जो भी क्या होता है अमेंडमेंट किए गए हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा फाइन लगा दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, कई लोगों का मानना है कि इससे सरकार अपनी तिजोरी भर रही है या कुछ भी कर रही है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप भले ही कानून के डर से ही क्यों ना, लेकिन आप हेलमेट पहने, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो इससे सरकार को कुछ होने जाने वाला है, सरकार का उससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर भगवान न करे किसी तरीके की आप एक्सीडेंट में आप चपेटे में आ गए, चपेट में आ गया, तो कम से कम आपके बचने के चांसेस तो रहेंगे, क्योंकि अधिकतर एक्सीडेंट्स होते हैं लोगों के तो जो क्या होता है सर पहले फूट जाता है, तो हेलमेट होने की वजह से कम इतना होगा कि हाँ चांसेस कम से कम रहेंगे इन सारी चीज़ों के। लाइसेंस, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं उसमें, अब मैंने तो देखा है कई बार लोग ऐसे भी कई मतलब अब यंग एज के बच्चे होते हैं गाड़ियां ले लेते हैं, पल्सर और कई तरीके की गाड़ियां आई हैं और उसको ऐसे सड़क पे घुमाते हुए चलाते हैं जैसे लगता है कि पता नहीं घर से बोल के आए हैं क्या कि आज शाम को मैं घर नहीं आऊँगा, मेरा खाना मत देखना, अब 13 दिन तक तुम लोगों को कुछ खाना होना नहीं है, भाई कुछ हो जाएगा उनको तो भाई, अब इसके आगे क्या मैं बोलूँ। अब ऐसा नहीं है कि वो खुद ही मरेंगे, अपने साथ भी 4-5 को लेके मरेंगे, तो ये रूल सही है, कम से कम रूल की वजह से ही लोग सड़क सुरक्षा का पालन करने लगे, जिससे सड़कों पे चलने वाले लोग और रहने वाले लोग, भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है सड़क पे ही रहते, कम से कम वो भी आराम से कि नींद तो ले सकेंगे रात में। ये एक पॉलिटिक्स है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर क्यों, नो वन विल फोर्सेस टू सेल लैंड इन जे एंड के। देखिए ये खबर आई हुई है कि क्या होता है सरकार ने जब से धारा 370 35A जम्मू एंड कश्मीर से हटाया है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज को इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया है, तो एक अफवाह सी फैली हुई है कि क्या होता है वहाँ पे रहने वाले लोगों को ज़मीनें बेचने के लिए फोर्स किया जा रहा है, उसी को लेके सरकार का ये स्टेटमेंट आया है कि अब आप अपनी ज़मीन जब बेचना चाहेंगे तभी बिकेगी, कोई आपको फोर्स करके आपकी ज़मीन नहीं लेने वाला है या आपकी ज़मीन पर कब्जा नहीं करने वाला है, और ऐसा नहीं है कि जो अभी क्या होता है ज़मीन के दाम है अभी वैसे ही रहेंगे, आने वाले दिनों में जैसे जैसे जम्मू एंड कश्मीर का विकास होगा डेवलपमेंट होगा तो ज़मीनों के भी दाम बढ़ेंगे, तो बेहतर ये है कि जिनको बेचना है वो आराम से वेट एंड वॉच करें, सही समय आने पे सही दाम मिलने पे ही बेचें, लेकिन बेचें तभी जब उनकी खुद की मर्ज़ी हो, कोई उनको इसके लिए फोर्स नहीं करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर क्यों, इंडियाज ऑयल डिमांड टू राइज एट फास्टेस्ट पेस ग्लोबली। देखिए इंडिया की जो ऑयल की डिमांड है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो है वो स्लो डाउन होने वाली है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एक्सपेंशन होने वाली है राइज डिमांड इन डिमांड ऑयल की, उसमें कमी आने वाली है, ये कहना वर्ल्ड ऑयल डिमांड रिपोर्ट ओपेक की। अब पहले ओपेक के बारे में जान लेते हैं कि ओपेक क्या है। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 1960 में 5 देशों ने ईरान, इराक, कुवैत अरब और वेनेजुएला मिल के इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में था। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये है कि इंडिया की जो ऑयल की डिमांड है वो 3.21 से बढ़कर 4.88 बिलियन बैलर पर डे हो गई है 2019 में, फ्रॉम 4.73 मिलियन बैरल पर डे इन द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर में 4.73 उसकी डिमांड थी और इस बार 2019 में 4.88 हो गए, जो कि नियर अबाउट 3.36% टू 5.05 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से रहेगी।
अगर कंज्यूमर कंज्यूम की बात करें तो यूएस जो है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना आता है 13.06 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, और यूएस का कंजम्पशन है 20.94 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से। पूरे दुनिया की जो ऑयल की डिमांड है 2019 में वो नियर अबाउट 1.02 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से बढ़ने वाली है, विच इज़ 0.08 मिलियन बैरल पर डे लोअर देन द प्रीवियस प्रोजेक्शन। पिछला जो प्रोजेक्शन ओपेक ने किया था उससे 0.08 मिलियन बैरल पर डे कम हुआ है, कम प्रोजेक्शन इस बार किया है। ये भी दोस्तों एज एडिटोरियल है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। टैक्स अथॉरिटी टू फाइल स्पेशल अपील इवन फॉर स्मॉल केसेस। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके लिए जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई स्पेशल केस है या स्मॉल केस है तो उसके लिए भी टैक्स अथॉरिटी को स्पेशल फाइल अपील करनी होगी। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी ट्रिब्यूनल में अगर कोई कहता अपील करनी है किसी को तो उसकी भी अमाउंट की राशि बढ़ा दी गई है जो कि 20 लाख से 50 लाख कर दी गई है। जो हाई कोर्ट में अपील की राशि है उसको भी 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो अपील की राशि है उसे 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दिया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये नोटिस बताया है, एक नोटिस में बताया कि देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ केस वेयर देर हैज बीन ऑर्गेनाइज टैक्स एवेजन यूजिंग बोगस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस ऑन पेनी स्टॉक्स। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फाइनेंस मिनिस्टर्स ने एश्योर किया इंडस्ट्री को कि सभी इंडस्ट्री को ऑल पॉसिबल स्टेप जो भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सारे स्टेप लिए जाएंगे। इसके साथ उन्होंने एक चीज़ और भी बताया कि सीमेंट वाज द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी लाइक द हाउसिंग स्टॉक्स इन द यूएस। आफ्टर अ लॉन्ग डाउन टर्न सीमेंट इंडस्ट्री क्लाउड स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2019 विथ हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। देखिए अब की बार जो देश का या जो भी सेक्टर्स है उनका बहुत ज़्यादा जोर एक्सपोर्ट पर होने वाला है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री नाउ हैज़ ह्यूज एक्सेस कैपेसिटी इन द कंट्री, अ मेजर थ्रस्ट नीड टू बी गिवन टू एक्सपोर्ट्स स्पेशली टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ट्रेड वॉर बिटवीन द यूएस एंड चाइना। देखिए ये जो खबर है वो ये है, सी बोरियस इज द लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल ऑफ ऑल टाइम रिवील्स स्टडी। एक स्टडी आई है जिसके हिसाब से ये है कि डायनासोर के ज़माने में सी बोरियस जो है वो सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर था, और जो कि आज भी उसी को ही माना जाएगा कि उससे बड़ा जानवर कोई नहीं। इस खबर में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, केवल यही है कि सी बोरियस जो है वो सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर सभी अब तक का है, इस स्टडी में कहा गया। अगली खबर क्यों आते हैं, देखिए रसिया ने जो अपना रोबोट भेजा था मिशन पे, स्पेस मिशन पे, उसको स्क्रैप कर दिया है, जिसका नाम फेडोर था, क्योंकि इसका अब जो भी काम करना था वो काम ये नहीं कर पाया, जो कि इसका असाइनमेंट था वो नहीं कर पाया। और कई सारी चीज़ें हैं जो रसिया ने ये भी सोचा था कि इस रोबोट के सहारे यानी इस फेडोर के सहारे वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को रिप्लेस करेगा और स्पेस में वॉक करेगा। बट ही वॉन्ट फ्लाई देयर एनी मोर, देयर इज नथिंग मोर फॉर हिम टू डू देयर, ही इज कम्प्लीटेड हिज मिशन एंड द सिल्वरी ऑर्थोपोनर रोबोट कैन नॉट फुलफिल इट्स असाइंड टास्क टू रिप्लेस ह्यूमन एस्ट्रोनॉट ऑन लॉन्ग एंड रिस्की स्पेस वॉक्स। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन दिया गया था वो ये दिया गया था कि इसके लेग्स बहुत ही बड़े हैं, यानी कि पैर इसके काफ़ी बड़े हैं। बट फेडोर टर्न आउट टू हैव अ डिजाइन दैट डज नॉट वर्क वेल इन स्पेस, स्टैंडिंग 180 सेंटीमीटर टॉल, इट्स लॉन्ग लेग्स वर नॉट नीडेड ऑन स्पेस वॉक। द रशियन स्पेस एजेंसी सेड द लेग्स वर इमोबिलाइज ड्यूरिंग द ट्रिप्स एंड फेडोर वर नॉट प्रोग्राम टू ग्रैब स्पेस स्टेशन हैंड रेल्स टू मूव अबाउट इन माइक्रो ग्रेविटेंसी। सो दोस्तों 12 सितंबर 2019 की जो मुख्य खबरें थी उनका हम लोगों ने एक एनालिसिस कर लिया, काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस किया गया है। अगर आपको किसी न्यूज़ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई
सस्पिशियस चीज़ हो जो कि आपको लगे कि नहीं ये क्या है इसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए, तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। मैं उसके अगर क्या होता है बनने लायक होगा तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इसी सोच और उम्मीद के साथ मैं अमित कुमार दुबे आप लोगों से विदा लेता हूँ। और जाने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम हैं ऑल डाउट क्लियर, जहाँ पे कोई भी डाउट डाउट नहीं रहते। इसी के साथ गुड नाइट, गुड बाय एंड रब्बा खैर।